शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सोनशी में विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। ले चलते हैं आप प्रयागराज की बड़ी खबरों की ओर। थाना कीड़गंज मनकामेश्वर मंदिर सरस्वती घाट के पास नाव दुर्घटना के संबंध में उक्त मामले से अवगत कराना है कि नाव पर कुल 14 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 5 व्यक्तियों का पता नहीं चला है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत उनकी खोज की जा रही है। एक कैजुअल्टी यहाँ पर हुई है, नाव हादसा हुआ है। करीब कितने बजे हादसा हुआ है, कितने लोग नाव में सवार थे, क्या वजह बताई जा रही है और कितनी इसमें कैजुअल्टी हो गई है और क्या क्या कहाँ के लोग थे, क्या है पूरी जानकारी इसमें? देखिए, अभी जो प्राइम ऑफ एसी पुलिस का सूचना करीबन 6:30-7 बजे की घटना बताई जा रही है। 7 बजे पुलिस को सूचना मिली है, कुछ लोग यहाँ पर मौके पर थे तो उनका कहना है कि कुछ लोग तैरते हुए किनारे तक पहुँचे हैं और टोटल 14 लोग थे बोट में, जिनमें से 6 लोगों को तो लाइव रेस्क्यू किया गया है और 3 लोग जो हैं वो सस्पेक्टेड डेड हैं। बाकी 5 लोग अभी पुलिस, जल पुलिस टीम्स और बाकी लोग उनको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कहाँ के लोग बताए जाने के? देखिए, ये पता लगा है ये लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, कोई लातूर का है, कोई नांदेड़ का है, ऐसे ये करीबन 12 लोग थे, 2 अन्य लोग लोकल मिला के 14 हो गए। क्या ये नौका विहार कर रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, क्या? ऐसा बताया गया कि पूजन करने के लिए आए हुए थे और पूजन करने के बाद सस्पेक्टेड शायद नाव में छेद हुआ है, जैसा कि जो महिला है उसके द्वारा बताया गया है। उसके बयान अभी और लिए जा रहे हैं और जो व्यक्ति है, जो एक पंडित था जो उनके साथ था, जो पंडा था जो इनके साथ था, उसके भी द्वारा यही बात बताई गई कि एकदम से नाव के अंदर पानी भर गया, तो सस्पेक्टेडली हो सकता है नाव में छेद हो गया और छेद होने के कारण नाव स्वयं नाव अंदर चली गई हो। तो जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी संवेदना व्यक्त की है और कहा गया है कि हर संभव मदद